सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गंभीर आरोप लगता हुआ बयान सामने आया है। चुनाव आयोग पर अखिलेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की बेईमानी से हम हारे, अखिलेश ने कहा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बेईमान कहा है। बिहार में बदलाव पर भी अखिलेश बोलते नजर आए और बयान दिया है कि बिहार ने 2024 के लिए नया विकल्प दे दिया है। पार्टी को मजबूत करेंगे, 2024 पूरी ताकत से लड़ेंगे, अखिलेश ने कहा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीधे तौर पर चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव आयोग की बेईमानी से हम हारे, ये कहना है अखिलेश यादव का। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो हारी हुई पार्टी होती है वो अक्सर सवाल उठाती है, कहीं ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, पहले भी ऐसा देखने को मिला। लेकिन इस वक्त ये बयान जो है बहुत अहम हो जाता है। सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, और आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की बेईमानी से हम हारे हैं, यानी कि जनता ने जो जनादेश दिया उसको लेकर पूरा आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ जनता के जनादेश की बात करते तो वही महत्वपूर्ण रहता। तो वहीं पर अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। कहा है कि हम चुनाव आयोग की बेईमानी से चुनाव हारे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव सर, चुनाव आयोग को बेईमान बता रहे हैं कि उन्होंने बेईमानी की तो हम हार गए। ये हताशा और निराशा है। जब वो जीत गए, चुनाव आयोग ने उनकी सीट बेईमानी नहीं की, 125 सीट जीती उसमें बेईमानी नहीं की, जहां हार गए तो वहां बेईमानी की। ये हताशा और निराशा है। वो अपनी कमजोरी को सुधारें, वो अपनी कमजोरी से हारे हैं। दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाना ये गलत बात है। उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से सरकार नहीं बनी है। हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी के उनके लोग कह रहे हैं कि जो उनके इर्द गिर्द नवरत्न लोग घूमते हैं, ये नवरत्न लोग जब तक अखिलेश जी को मैनपुरी पहुंचा नहीं देंगे लखनऊ से, तब तक वो सब चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा राजभर जी, एक बात आप लगातार कहते थे चुनाव से पहले और बाद में भी, आपने नसीहत भी दी कि ऐसी से बाहर अखिलेश यादव निकलते नहीं, मेहनत करते नहीं तो कहां से जीतेंगे। बेईमानी की बात है, जिससे भी गठबंधन होता है बाद में गठबंधन टूट जाता है उनका, तो बेईमानी की जो बात है ये आप किसके लिए कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, कांग्रेस खराब पार्टी थी। बसपा से गठबंधन किए, बसपा खराब पार्टी थी। हमसे गठबंधन किए, हम खराब पार्टी हैं। तो अब तो चुनाव आयोग खराब है। जो बोल रहे हैं, देखिए सपनी अपनी कमजोरी को वो स्वीकार करें, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से बढ़िया अपनी पार्टी का संगठन और सूझबूझ से अपनी पार्टी के नेताओं की राय मशविरा लें, उनसे मिले जुले। लेकिन हमारी राय वो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो कहेंगे कि हमको कोई सलाह न दे। बयान भी आया था उनका, तो हमारा तो उनको सुझाव यही है कि मान जाओ, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली मत उठाओ, तो अपने गिरिबान में झांक के देखो कि आपने गलत टिकट बंटवारा बड़े पैमाने पर किया है, चाहे वो आपके नवरत्नों ने किया हो चाहे आपने किया है, जिसका खामियाजा आपको मिला है। जनता तो आपको थाली लेके मुख्यमंत्री बना के आरती उतारने के लिए तैयार थी, लेकिन आप और आपके नवरत्नों ने मिल करके टिकट का ऐसा बंटवारा किया जहां जीतने वाले को हारने वाला। अब दूसरा प्रमाण चुनाव आयोग का कहें दोष दे रहे हो भैया? आप 5 साल एमएलसी रहे, मुख्यमंत्री थे, एमएलसी के बदौलत सदन के नेता बने, एमएलसी बन के ना पर्चा भरे थे ना। उम्र 30 साल होती है और आप 28 साल वाले को पर्चा भरा प्रस्तावक पहले नंबर पर आप हो, दोष चुनाव आयोग का है? पर्चा खारिज किसने कराया? जानबूझ करके बीजेपी का समर्थन किया है कि बीजेपी का हमारा बैकडोर से समर्थन होगा, पर्चा खारिज बीजेपी का समर्थन। अब कहिए कि चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, तो ये जैसा जनता सब जानती है। तो आपकी नजर में बेईमान कौन, चुनाव आयोग या अखिलेश यादव? राजभर, अब इस बीच जो है मयूर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयूर, अगर देखा जाए हारे अखिलेश हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोस रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जाए अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं वो।
बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव की जब से हार हुई है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं और ठीकरा फोड़ने की जो आप बात कर रही हैं वो अब चुनाव आयोग के ऊपर आ गया कि चुनाव आयोग बेईमान है, उसने बेईमानी की है, इस वजह से हम चुनाव में हारे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से जो एक्सक्लूसिव बातचीत जी मीडिया ने की है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अखिलेश यादव जीते, उनकी पार्टी के 125 लोग जीते, तो उसमें चुनाव आयोग ने बेईमानी नहीं की। अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। ओम प्रकाश राजभर तो यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव से 6 महीना पहले अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, उसके पहले 4.5 साल तक एसी में बैठ के लूडो और कराटे खेलते रहे बच्चों के साथ, और जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा और लगातार वो फिर से 5 साल मुख्यमंत्री रहने के लिए मेहनत कर रहा था, उसका मुकाबला करने अखिलेश यादव चले थे, तो ऐसे में अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी। और जो गठबंधन की बात वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है वो टूट जाता है, बाद में कहते थे वो क्यों खराब है। और इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर ये भी कह रहे हैं कि लेकिन मयूर एक चीज और है, यहां पर वो साफ तौर पर फिर से ये सवाल खड़े करते आए हैं कि जिस तरह से जो टिकट का बंटवारा हुआ है उस पर सवाल खड़े किए कि आपने बिना सोचे समझे टिकट का बंटवारा कर दिया। बिल्कुल देखिए, इस बात की नाराजगी तो तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं में कार्यकर्ताओं में रही, लेकिन उन्होंने खुल के इस बात का विरोध अखिलेश यादव से नहीं किया, और उनके जो सहयोगी दल थे उनमें भी इस बात की नाराजगी जरूर थी कि अखिलेश यादव ने गलत। ठीक है मयूर, रहिए आप हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश त्रिपाठी जी, चुनाव आयोग पर पूरा ठीकरा फोड़ा है अखिलेश यादव ने, बेईमान तक कह दिया है। कहावत है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आज खिसियाई समाजवादी पार्टी कभी ईवीएम नोचने का काम करती है, कभी इलेक्शन कमीशन को नोचने का काम करती है। समाजवादी पार्टी को ये आज अपने आप में महसूस करना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की पराजय हुई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उनके पार्टी के सदस्य एक एक करके पार्टी छोड़ करके गए हैं, क्या इसके लिए भी वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराएंगे? समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव का बाहर जाना, क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन बनना और टूटना, क्या इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? क्या मायावती जी के साथ गठबंधन बनना और ओम प्रकाश राजभर तक की कहानी, क्या इलेक्शन कमीशन ने लिखने का काम किया है? चौधरी हरमोहन सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, आज उनका परिवार उनको छोड़ करके चला गया, क्या इलेक्शन कमीशन की इसमें भूमिका है? समाजवादी पार्टी जो परिवार की पार्टी हुआ करती थी, उस परिवार से भी आज लोग टूट करके समाजवादी पार्टी छोड़ करके चले गए, परिवार की बहू आज समाजवादी पार्टी छोड़कर चली गई, समाजवादी पार्टी में संधि उनके वो विधायक रहे वो अपनी पार्टी छोड़ करके चले गए, समाजवादी पार्टी के तमाम में से जमीनी नेता जो एक एक करके समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, क्या इन सबके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है?